ज्यादा करा दे नहीं, हम तो मर जाएंगे बिलख बिलख के। बच्चा है आधे दिन का डरा हमारा और हमारे कोई परसक नहीं है, आदमी से खत्म हो गए। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूँ राजा विजयपाल और आज का मामला बेहद गंभीर है। आज जिस लॉकडाउन वाले माहौल में देखा जाए तो हमारे भिंड जिले के दबो थाना क्षेत्र के अंतर्गत अमहा ग्राम पंचायत का एक मामला पाया गया है, जहां पर 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला जिसका नाम मुन्नी सेवरे, पत्नी सुदामा सेवरे है, और बताना चाहूँगा कि मुन्नी सेवरे के पति गुजर चुके हैं और इस समय मुन्नी सेवरे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। अमहा ग्राम पंचायत के अंतर्गत मुन्नी सेवरे इस समय अपने दुर्दशा पर आंसू बहा रही हैं। मुन्नी सेवरे से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि उनका एक बेटा है, वो भी विकलांग है और वो अपनी बहन के साथ रह रहा है। आज कुछ नहीं है, कोई नहीं दे रहा हमारा। तो अभी कैसे कैसे जी रहे हैं आप, रोज क्या खाते जी रहे हैं? हम घर में हमारे नाज पानी गल्ला आप खेती का चल रहा था। हाँ। सुबह खाते रहे पियत रहे, अब लड़का चले गए बहन के हैं, अब वो बैठ नहीं उठ पे, रात बहन खवा रही। अभी कुछ नहीं है आपके पास? आपको पास कुछ नहीं है, हमको नहीं, कोई नहीं दे रहा है। कैसे खाती हो आप? अब पूरा मोहल्ला की हमको दो दो चार चार रोटी दे देते बेचारे, पानी डाल देती हैं, नहा धो ले का आठ आठ रोज लो नहीं नहाते हैं, बैठी हैं सर तलफन मची घोड़े में। अब क्या लग रही कि पिरान काट दो, पिरान काट दो। और सूजन बहुत ज़्यादा आ गई, 3 बार कट गया है। क्या डॉक्टरों ने क्या बताया? अंदर कैंसर बैठा दी उसने, कैंसर हो गई तुमको, अभी अब कटेगा कुछ जगह, आप नहीं काटेंगे कौन से। अब हमारे पास कोई होता संगीत तो जल्दी ऑपरेशन हो जाता चौथा में। अब जो बोले अब के कैसे करूँगे, अब अकेले हम डरा रहे भाई कि हाय तुमको कुछ हो गया, गड़बड़ हो गया तो हम कौन को तलाशेंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ पूछेंगे, कहाँ बताएंगे। सरकार से कुछ मांग करेंगी? सरकार इस समय आपको देख रही है, सरकार से कोई मांग है आपकी? हाँ मांगते हैं। क्या कहना चाह रही सरकार, सुन रही है? हम सरकार से जो कहते हैं कि हमको पेंशन बनवा दो, हमको गाड़ी आड़ी मिलेगी, नाम है हमारा, रिक्शा गाड़ी मिलेगी फ्री में, और फ्री में हमारी पेंशन मिली जाए। यहाँ नहीं निकाल रहे हैं सरपंच साहब और सेक्रेटरी लोग, झुकाते हैं कि जाओ सरपंच के पास और जाओ सेक्रेटरी के पास, अभी बोल नहीं कर रहे। बोले हम क्या कर दें, हम क्या कर दें। अब कोई थाने वो डॉक्टर साहब जी कमला राजा के गुप्ता जी हैं, अचल जी महाराज, उसने कहा है कि जाओ तुम कहीं नहीं जाना, तुमको थाने पे बैठ के सील लगा दें। आगे पीछे कोई है ही नहीं है तुम्हें, और हमको बचा सकते तो दे सकते, खाना पीना खिलान है, अभी तो हमें परवश दे रही है, राशन चाह में कोई नहीं दे रहे, हमारे राशन पता नहीं है कि कहाँ लड़कियाँ ने डार दिया है, ना बना हुआ है हमारा। दूसरे कह रहे हैं तुम विकलांग का राशन बनवा लो। और अभी वर्तमान में आपके कितने दिन से मांग के खा रही हैं? वर्तमान में अभी कितने दिन से मांग रही हो? हम तो यहाँ से मांग खा रहे हैं कि हमको साल भर हो गई है, झीक रहे हैं, रो रहे हैं जी, कोई नहीं कह रहा हमारा जी, कोई नहीं पूछ कर रहा जी। ठीक है, शासन तक आपकी आवाज़ पहुँच रही है, शासन के लोग आपको सुन रहे हैं, आपको जिला कलेक्टर सुन रहे हैं, आपको लाहौर SDM सुन रहे हैं, सभी अधिकारियों तक आपकी आवाज पहुंच रही है। अब यही तो है, हम कोई हमको कोई साथ मिल जाए तो हम उसके पास पहुंच जाएंगे। नहीं, आपको यही बैठे बैठे आपके सारे अधिकारी इस समय आपको सुन रहे हैं, आपकी मदद करेंगे। अच्छा करें, करवा दो साहब हमको पेंशन मिला दो जी। हम तो और आदमी से विधवा है ना जी, हमको और सुनाई ज्यादा करा दे नहीं, हम तो मर जाएंगे बिलख बिलख के। बच्चा है आधे दिन का डरा हमारा जी, और हमारे कोई परसक नहीं है, आदमी से खत्म हो गए, अब बस अकेले जान है हमारी। शासन आपकी बिल्कुल मदद करेगा। तो अभी आप काय से चलती हो, कैसे चलती हो अभी? चले ही नहीं पा रहे, बैठे हैं 3 दिना के, घर से निकले, घर से कन्या ले के पकड़ के सड़क पे डाल दिए थे आदमी, बोले कोई गाड़ी आएगी तो बैठवा देंगे, सीधा वो पटकवा देंगे। सरकारी अस्पताल में हमारा इलाज चलता है फ्री में, हमारा कमला राजा में फ्री इलाज हुआ है, हमारा एक पैसा नहीं ले, और मदद करते हैं बेचारे की, पैसा की दे दी थी। केवल आपको इस समय खाने की आवश्यकता है, पेंशन की आवश्यकता है,
पेंशन हमको बना दो, पेंशन हमको जी बिल्कुल, खाना के लिए हमको जो बना दो कि हम खाएंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज पहुंच रही है और हम पहुंचाएंगे। हमारा रमेश चंद, कहाँ रहते हैं आप? हम जगम अमाहा में, अमाहा में रहते हैं। इस महिला को जानते हैं? हाँ जानते हैं, इसके बारे की जो है घर से महिला है, क्योंकि परिवार में अब कोई नहीं है, बच्चा है वो भी अपंग है, वो बहन के यहाँ है और फिर से जो पैर कट गया है, जमीन जाया थी ज़्यादा कुछ नहीं है तो जो है इसकी भोजन वोजन की व्यवस्था जो भी हो जाए यार, राशन पानी की सोचे। तो अभी अभी इसको खाना पीना कहाँ से आता है इसका? अभी तो यहीं जो है दो दिन से यहाँ से यहाँ जो है कहीं कुछ जल्दी वैसे मिल रहा है। अच्छा, मांग के खाती हैं जी अभी? इलाज इनका पेंशन इनकी क्यों नहीं बनी है? अब वो हमें मालूम नहीं था, वो अब शासन जाने वाले, हम क्या बता सकते। हमने इस संबंध में गांव के ही रहवासी महेश समाज सेवी हैं महेश खरे से बात की, जो कि माँ रणकौशल देवी के सचिव, ट्रस्ट के सचिव हैं। हमने उनसे बात की है, सुनिए महेश खरे ने क्या कहा। ऐसा भी बताएंगे कि आपके गांव में एक बुजुर्ग महिला है जिसका पैर कटा हुआ है, मुन्नी सवरी उसका नाम है, जानते हैं क्या? हाँ जानते हैं, मंदिर पे है वह कल से। कल से मंदिर पे? क्या आप बता पाएंगे सर, उस समय जो राशन पानी है क्या उसके पास? वही बाबन से क्या है जो खाना आना तो मिल जाता है। अच्छा, बाबन से मतलब वहाँ से मांग कर खा रही हो? हाँ वही मांग के ही खा रही है। अच्छा, तो शासन से कोई मदद मिल रही है क्या उसे? शासन के लाने उनके पास तकी है नहीं है, जब डॉक्टर साहब ने कही थी वहाँ गेस्ट हाउस में थे जी, उनके पास आधार कार्ड खाता नंबर कुछ है ही नहीं है, देख आते हैं। तो इसका मतलब उसका पेंशन नहीं मिली है? आप पेंशन मिला तो हमारी समझ में तो कैसे नहीं मिल रही के। वो तमाम मुद्दे हैं जो आपकी जन अदालत न्यूज लगातार उठा रहा है, और आज शासन प्रशासन से अमहा में मुन्नी सभरे को मदद की जरूरत है, उनके भरण पोषण की आवश्यकता है, क्योंकि उनको मदद करने वाला इस समय कोई नहीं है। तो ऐसी बुजुर्ग महिला की जब हम आवाज उठाते हैं तो प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोग भी सामने आते हैं। जब तक हम कोई बात मीडिया में ना उछालें, ये लोग मदद करना ही नहीं चाहते हैं। तो मेरा उन समाज सेवियों से निवेदन है कि वास्तव में यदि आप मदद करना चाहते हैं तो आप मीडिया से पहले आप पहुंचे उन तक और उनकी समस्याओं का निदान करें, क्योंकि इस समय शासन प्रशासन समाज सेवी सब मिलजुल कर एकजुट होकर के अपने आसपास रह रहे ऐसे बुजुर्ग लोगों की सहायता करना है जो निराश्रित हैं, असहाय हैं, जिनके घर में कोई भी नहीं है आज उनका दर्द देखने के लिए। जिस प्रकार से मुन्नी सवरे का जो मामला आया है, उसका जो एक बेटा है वो भी विकलांग है, वो कुछ कर नहीं सकता है, वो अपनी बहन के यहाँ रहता है। मुन्नी सवरे इस समय अकेली हैं जो कि गांव में दर-दर भटक रही हैं। एक आपके जन अदालत न्यूज़ के तमाम दर्शकों से मेरा निवेदन है कि मेरा नंबर आप सभी के पास है और आप सभी की ताकत से मैं लगातार अपनी आवाज़ को दमदारी के साथ शासन प्रशासन तक पहुँचा रहा हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि आपका संगठन, आपकी ताकत मुझे मिलती है तो निश्चित रूप से हम अपने आप की जन अदालत न्यूज़ के माध्यम से समूचे भारतवर्ष तक अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे और दमदारी के साथ लोगों की मदद करने में हमारा चैनल कामयाब होगा। मेरा आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर आपको क्लिक करना है, और जो हमारे दर्शक पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जो नए सदस्य हैं जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उन सभी दर्शकों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, और जो हमारे दर्शक हैं वो लाइक बटन पर क्लिक करें। आवाज पूरी ईमानदारी के साथ, दमदारी के साथ आपकी आवाज़ उठाता रहूंगा, मेरी आवाज़ को कोई भी नहीं दबा सकता जब तक आप सब मेरे साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, नमस्कार।